हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे गोपाल जी के फेस को पेंट कर सकते हैं। तो पेंट अप्लाई करने से पहले आप मेरी ही तरह ये जो एक्स्ट्रा ग्राफाइट्स है इसको पहले इरेज कर लेना, उसके बाद ही पेंट को अप्लाई करना। इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने सिखाया था कि कैसे आप लूमिस मेथड पे गोपाल जी के आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एंड आई बटन पे दे दिया। तो जिसने भी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, मैं उन सभी से उस वीडियो को देखने का रिक्वेस्ट करता हूँ। फेस का जो बेस लेयर है वो बनाने के लिए मैं पहले स्काई कलर को एकदम लाइट करके यूज कर रहा हूँ, लेकिन रेफरेंस फोटो के वाइट पोर्शन वाले जगह को मैं वैसे ही छोड़ रहा हूँ। बेस लेयर सूख जाने के बाद मैं वही सेम स्काई कलर को यूज करके फेस के जहाँ जहाँ पर भी डार्क वैल्यूज है वहाँ पर एक सेकेंड लेयर अप्लाई कर रहा हूँ। रेफरेंस फोटो को ठीक से ऑब्जर्व करने के बाद मैं जितना समझ पाया हूँ उसी हिसाब से मैं ये कलरिंग कर रहा हूँ, और वही प्रोसेस को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आप सभी को मेरे वीडियो के साथ साथ रेफरेंस फोटो को भी ठीक से ऑब्जर्व करने का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन जितना अच्छा होगा आपका ड्राइंग भी उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद मैं एक गीला ब्रश लेकर उससे ये कलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगा। मैं तो यहाँ पहले फेस में पूरा कलर अप्लाई किया फिर ब्लेंड किया, आप चाहे तो इसको पार्ट पार्ट में भी कर सकते हैं। तो ये कलर अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद फिर भी अगर आपको किसी जगह पर और डार्क करने का ज़रूरत पड़े तो फिर आप वही सेम स्काई कलर से या फिर स्काई के साथ थोड़ा ब्लैक मिलाकर थर्ड या फोर्थ लेयर ऐड कर सकते हैं। कहीं पर अगर स्किन टोन थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाए तो उसे फिक्स करने के लिए व्हाइट कलर तो है ही, जैसे कि मैं यहाँ पर जगह जगह व्हाइट कलर से स्किन टोन को थोड़ा लाइट कर रहा हूँ। तो फेस का जो स्किन टोन है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब आँखों के लिए मैं ब्लैक एंड ब्राउन कलर को यूज कर रहा हूँ। लिप्स के लिए मैं रेड कलर और लिप्स के बॉर्डर के लिए रेड के साथ थोड़ा ब्लैक मिलाकर उसे यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर हाइलाइटेड एरियाज पे मैं वाइट कलर से हाइलाइट कर रहा हूँ, और ब्लश देने के लिए पिंक कलर को एकदम लाइट करके यूज कर रहा हूँ। अगर आप अभी तक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये ऑर्नामेंट्स को मैं मेरे हिसाब से पेंट कर रहा हूँ, आप चाहे तो रेफरेंस फोटो के जैसे भी कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से भी कर सकते हैं।
बालों को कलर करने के लिए मैं पहले ब्राउन कलर से एक लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद ब्लैक कलर से सेकेंड लेयर अप्लाई करूँगा। बालों का कलर हो जाने के बाद ये जो ऑर्नामेंट्स में मोतिया है उसको ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर वाइट पेंट का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो वाइट जेल पेन या फिर वाइटनर का भी यूज़ कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।